साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर 5 जो हमारा है पृष्ठ रसायन, आज हम लोग इसके कुछ शॉर्ट नोट देखेंगे जो पूछे जाते हैं। जैसे पहला है हमारा वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो विद्युत के कारण जो कोलाइडी कण होते हैं, इनका धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गति करना। ही हमारा वैद्युत कण संचलन कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में, यानी जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ये कोलाइडी विलयन होता है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में इसके जो कोलाइडी कण होते हैं धनावेशित होते हैं, इसलिए ये ऋण प्लेट की ओर गति करते हैं, क्योंकि वैद्युत कण संचलन में बताया गया है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर गति करते हैं, तो धनावेशित कण किस ओर गति करेंगे, ऋण प्लेट की ओर गति करेंगे, तो यही हमारा कहलाता है वैद्युत कण संचलन। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा विषय हमारा गोल्ड साल जो होता है इसके बनाने की बेडिंग आर्क विधि क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि शीतलन मिश्रण जो लिखा हुआ है, शीतलन मिश्रण, तो यानी ये हमारा एक टैंक होता है, जो बर्फ से भरा होता है, इसीलिए इसे शीतलन मिश्रण बोलते हैं। तो इसमें बर्फ से भरा हुआ एक टैंक होता है और इसके अंदर आप लोगों को एक दूसरा टैंक दिख रहा होगा जिसमें परिक्षेपण माध्यम लिखा हुआ है। तो जो हमारा बर्फ से भरा हुआ टैंक होता है इसके अंदर भी एक छोटा टैंक होता है। इस छोटे टैंक में आप लोगों को दो इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जैसे ही इस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक आर्क उत्पन्न होता है जिससे जो गोल्ड के दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये धीरे धीरे घुल जाते हैं और यह गाढ़ा विलयन जो तैयार होता है इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड साल बोलते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक बैटरी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर HT का अर्थ है हाई टेम्परेचर की बैटरी। तो यह विधि हमारी एकदम सिंपल विधि है कि इसमें बर्फ से भरा हुआ एक टैंक होता है और इसके अंदर भी एक छोटा टैंक होता है जिसमें क्या भरा होता है, क्षार से भरा हुआ एक विलयन भरा हुआ होता है, और इसी में दो इलेक्ट्रोड भी लगे होते हैं, किसके, सोने के, इसी में सोने के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड गल जाते हैं, इसमें आर्क उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड हाई टेम्परेचर की बैटरी से जुड़े हुए होते हैं, तो जो गाढ़ा विलयन प्राप्त होता है इसे हम लोग गोल्ड साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड साल। और ये जो बनाने की हम लोगों की विधि है इसको बोलते हैं बेडिंग आर्क विधि। कौन सी, बेडिंग आर्क विधि बोलते हैं। तो जो गोल्ड साल हमें प्राप्त हुआ है इसे ही हम लोग कहते हैं कैसियस पर्पिल। क्या बोलते हैं इसे, कैसियस पर्पिल, या फिर कहते हैं पर्पिल ऑफ कैसियस। तो कभी कभी पेपर में इस नाम से भी पूछा जाता है कि कैसियस पर्पिल क्या है, यानी गोल्ड साल क्या है। तीसरा विषय हमारा हार्डी सुलजे का नियम, तो चलिए समझते हैं। हार्डी सुलजे का जो नियम है ये स्कंदन या फिर अवक्षेपण की व्याख्या करता है। स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, तो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अवघट मिला दिया जाए तो कोलाइडी विलयन नीचे बैठ जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। तो जो हार्डी सुलजे का नियम है ये हमें स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में ही बताता है, यानी कि हार्डी सुलजे का नियम स्कंदन या अवक्षेपण की व्याख्या करता है। तो जो हार्डी सुलजे के नियम है इसके मुख्यतः दो कथन है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए, यानी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने के लिए विपरीत आयनों की आवश्यकता होती है। यदि कोलाइडी विलयन हमारा धनात्मक है तो हमें इसमें ऋणात्मक वाला कोई पदार्थ मिलाना होगा, तभी यह कोलाइडी विलयन हमारा अवक्षेपित होगा, और यदि हमारे कोलाइडी विलयन के जो कण हैं ऋणावेशित हैं तो इसमें हमें कोई धन आवेश वाला कण मिलाना होगा। यानी कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए हमें विपरीत आयनों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, सिंपल है। सेकेंड पॉइंट, आयन पर जितना अधिक आवेश हो, जो आवेश है जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता जो होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमारा दिया गया है CH3COO पर 1 माइनस है, सल्फर पर डबल माइनस है और PO4 पर ट्रिपल माइनस है। तो इसमें स्कंदन क्षमता किसकी अधिक होगी, जिस पर जितने ज़्यादा आवेश हों। तो इस पर सबसे ज़्यादा आवेश हैं 3, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी। इसके बाद सल्फर की स्कंदन क्षमता होगी और इसके बाद CH3COO जो माइनस है इसकी स्कंदन क्षमता होगी।
और यही चीज धनावेशित आवेश पर भी लागू होता है कि धनावेशित आवेश जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। जैसे हमारा यहाँ पर Na प्लस दिया गया है और इसके आगे Fe डबल प्लस दिया गया है, तो इन दोनों में किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी? जिस पर ज़्यादा आवेश होंगे। तो ये है हमारा क्रम। तो हार्डी सुलझे का नियम क्या है कि यह स्कंदन तथा अवक्षेपण की व्याख्या करता है और इसके मुख्यतः दो कथन है। पहला कि कोई कोलाइडी विलयन है तो उसे अवक्षेपित करने के लिए विपरीत आवेश चाहिए, और सेकंड क्या है, जिस पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो हार्डी सुलझे का नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला विषय है हमारा स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक क्या होता है। स्वर्ण संख्या क्या होती है? जो हमारे रक्षी कोलाइड होते हैं। कौन से कोलाइड? रक्षीय कोलाइड, यानी ऐसे कोलाइड जिनका स्कंदन रोका जा सके, उनकी रक्षा किया जा सके। तो जो रक्षी कोलाइड होते हैं इनकी स्वर्ण संख्या जो होती है मिलीग्राम में वह मात्रा है जो, यहाँ तक हमें एक बार में बोलना है, रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl के, 10 ml गोल्ड साल में 10% NaCl के 1 ml डालने पर, 1 ml डालने पर उसके स्कंदन को रोक दे। रक्षी कोलाइड की जो स्वर्ण संख्या है वो मिलीग्राम की एक मात्रा है, मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड साल में, 10 ml गोल्ड साल में 10% NaCl के 1 ml डालने पर उसके स्कंदन को रोक देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण संख्या या फिर स्वर्णांक। तो इन शॉर्ट नोट को आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बार ये पूछे गए हैं और कितने ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड साल में 10% NaCl के, 10 ml गोल्ड साल है उसमें 10% NaCl के हैं और 1 मोल मिला दिया जाए उसके स्कंदन को रोक देगा। तो ये कहलाता है हमारा स्वर्ण संख्या या फिर स्वर्णांक। नोट पॉइंट देखते हैं इसमें, जिस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, यानी स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी ज़्यादा होगी, रक्षा करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। रक्षा करने की क्षमता का मतलब स्कंदन शक्ति, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही कम हो जाती है। तो यह है हमारा कि स्कंदन शक्ति जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/5 स्वर्ण संख्या, यानी स्वर्ण संख्या बढ़ाएंगे तो हर बढ़ेगा, और किसी संख्या का यदि हर बढ़ता है तो पूरी संख्या घट जाती है, यानी कि स्वर्ण संख्या बढ़ाने पर उसकी रक्षण क्षमता यानी स्कंदन शक्ति कम हो जाती है। उदाहरण देखते हैं, लेटिन की स्वर्ण संख्या जो होती है 0.005 होती है। जो जिलेटिन होता है इसकी स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.005 होती है। तो ये था हमारा स्वर्ण संख्या या फिर स्वर्णांक। अगला विषय हमारा पायस क्या होता है। पायस को समझने से पहले हमें कोलाइडी तंत्र को समझना होगा। तो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ दिया है तंत्र का प्रकार, प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम और उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो जो हमारे कोलाइडी तंत्र होते हैं, प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इन दोनों से मिलकर हमारा कोलाइडी तंत्र बना हुआ होता है। जैसे पहला आप लोगों को दिया गया है सॉल। सॉल कैसे बनता है? जब एक ठोस और एक द्रव मिलता है तो हमारा सॉल बनता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो और प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो तो हमारा सॉल बनता है, और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला आप लोगों को दिया गया है ठोसों के एरोसॉल, और उसी के बाद है द्रव के एरोसॉल। जेल है, ठोस फोम है, ठोस सॉल है, और पायस है और फोम है। तो पायस आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव होती है और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, तो ये हमारा पायस बनता है। तो पायस की डिफिनीशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि जब कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो पायस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दूध हो गया, वेनिसिंग क्रीम हो गई, तो ये हमारे पायस के एग्जाम्पल हैं। तो ये है पायस। पायस वे कोलाइडी तंत्र हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? दोनों द्रव होते हैं। तो पायस वे कोलाइडी तंत्र हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। यह अमिश्रणीय द्रवों से बना कोलाइडी तंत्र है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने देखा था कि दूध एक पायस है, और कभी कभी एक नंबर में पूछा भी जाता है दूध निम्न में से क्या है? यह रहता है पायस है। पायस की जो बूंदें होती हैं सॉल के कणों से बड़ी होती हैं। जो हमारा सॉल बनता है इसके जो कण होते हैं इससे बड़ी होती हैं पायस की बूंदें। पायस कुछ गुणों में द्रव विरोधी सॉल से समानता रखता है। किससे? द्रव विरोधी सॉल। जो द्रव विरोधी सॉल होते हैं इनसे पायस कुछ गुणों में समानता रखता है। तो चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में हम लोग पायस का कहाँ पर उपयोग करते हैं।
पायस के उपयोग पहला है हमारा कि जो फिनाल हो गया, डेटॉल हो गया, इसी प्रकार के जो रोगाणुनाशी होते हैं ये जल के साथ मिश्रित करने पर क्या बनाते हैं, पायस बनाते हैं। यानी जब हम लोग डेटॉल को पानी में डाल देते हैं तो जो हमारा घोल तैयार होता है वो एक पायस कहलाता है। इसी प्रकार फिनाल और अन्य रोगाणुनाशी भी होते हैं। जो झाग फुलावन विधि होती है इसमें भी हम लोग पायस का उपयोग करते हैं, यानी ये पायस पर आधारित होता है। तीसरा है हमारा धुएं के अवक्षेपण में। चौथा है हमारा जल शोधन, साबुन की सफाई की जो क्रिया होती है इसमें भी पायस का उपयोग होता है। पांचवा है अप्राकृतिक वर्षा, यानी जो अप्राकृतिक वर्षा कराई जाती है या फिर रक्त स्राव को रोकने के लिए भी हम लोग पायस का उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे पायस के दैनिक जीवन में उपयोग। तो आप लोगों को वैद्युत कण संचलन यानी विद्युत के द्वारा कोलाइडी कणों का धन प्लेट से रेल प्लेट की ओर गति करना, गोल्ड सॉल बनाने की विधि यानी इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गोल्ड का सॉल में परिवर्तित हो जाना, हार्डी सुलझे का नियम यानी कि स्कंदन की व्याख्या करने के दो कथन, और स्वर संख्या जो 1 ml डालने पर स्कंदन को रोक दे, पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन के सेकेंड पार्ट यानी उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के प्रकार क्या होते हैं, इसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइड था, पहला था कोलाइडी विलयन से रिलेटेड और दूसरा था हमारा उत्प्रेरक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्प्रेरक से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।